Welcome back to the channel, everyone. This is your acoustic rider Kapil. I hope you guys are doing absolutely fit and fine. आज हम लोग गोवा में पहुंच चुके हैं. लगभग दोपहर के बज रहे हैं, 12 के आसपास बज रहे हैं. बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से और बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से हमको यहाँ पे पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगा है. उसके बाद यहाँ पे आने के बाद हमने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है और यहाँ पे हमने लोकल गाइड जो है वो हायर कर लिया है. तो लोकल गाइड से हम मिलते हैं और क्या क्या स्पॉट वो हमें घुमाने वाले हैं वो भी देख लेते हैं हमारे गाइड से. ये भाई साहब है जो आज हमें गोवा के दर्शन कराने वाले हैं, अलग अलग स्पॉट्स पे हमें घुमाने वाले हैं. तो भाई साहब आपका नाम क्या बताएंगे जरा? मेरा नाम मुख्तियार है. मुख्तियार, और आप प्रॉपर यहीं से हो? मैं एक्चुअली बेंगलुरु का हूँ. मैं गोवा में रहता 15 साल हो. अच्छा, और कितने सालों से आप गाइडिंग का काम कर रहे हैं? 12 साल हो. 12 साल हो गए इन गोवा और ऑल ओवर, मतलब कहीं और भी थे? नहीं नहीं, गोवा में. खाली गोवा में आप कर रहे हो? तो आज हमें कहाँ कहाँ घुमाने वाले हैं? अभी हम लोग जाएंगे कोको बीच. अच्छा, उसके बाद में जाएंगे फोर्ट अगवाड़ा. अच्छा, उसके बाद में कलंगुट बीच. अच्छा, और मैं बागा बीच. अच्छा, और वो डॉल्फिन वाला जो बताया वही कोको बीच है? कोको बीच है. अच्छा, ठीक है. तो ये सब स्पॉट्स पे भाई साहब हमारा साथ देंगे, हमें बताएंगे वहाँ की जानकारी, वहाँ की व्यूज के बारे में क्या क्या डिटेल्स रहेंगी. आपको सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है. सफर कर रहे हैं डॉल्फिन की सर्च में. आप मेरे साइड में आप देख पा रहे होंगे कितने सारी बोट्स हैं. ये आजू बाजू में लगभग 10 से 12 बोट्स हैं. हम लोग डॉल्फिन को सर्च कर रहे हैं. एक दो बार स्पॉट हुई है पर प्रॉपर कैमरे के अंदर नहीं आ पाई है. ये गोवा की जेल है जो कि अंडरग्राउंड है पूरी, और ऊपर साइड में जो आप देख रहे हो ये यहाँ का फोर्ट है, और ये जो व्हाइट वाला जो आप देख रहे हो ये यहाँ का लाइट हाउस है. ये बंगला का नाम है डायमंड मंच बंगला है. ये वाला डायमंड मंच बंगला अग्रवाल का, इसमें डायमंड का बिजनेस करता था वो. अच्छा, उसका डायमंड का बिजनेस है, बॉम्बे का रहने वाला है. अच्छा, ये बंगला का कीमत है 80 करोड़. 80 करोड़ का ये बंगला है. 80 करोड़ का, क्या बात है यार. तो इस कोको बीच की शहर में हमको 3 स्पॉट देखने को मिले. एक था डॉल्फिन वाला, उसके बाद वो जो जेल वाला आपने देखा, उसके बाद वो 80 करोड़ वाला जो बंगला था वो देखा. ये 3 स्पॉट जो है यहाँ पे देखने के लिए आपको मिलेंगे. यहाँ पे बोट राइड होती है. बोट राइड में आपको सबसे पहले टिकट निकालना पड़ता है, 300 रुपये पर कैंडिडेट के हिसाब से कुछ ऐसा टिकट है. वो आपको घुमाते हैं समुन्दर के अंदर, लेके जाते हैं वो स्पॉट तक, और वो स्पॉट की सारी जानकारी आपको देते हैं. कोको बीच के बाद अभी हम लोग आगे की स्पॉट पे जा रहे हैं, और वो स्पॉट कौन सा है हम जानते हैं हमारे गाइड भैया से. कौन सा स्पॉट पे जा रहे हैं? कलंगुट बीच. कलिंगपुर पे कितना दूर है यहाँ से? कोको बीच से 7-8 किलोमीटर. और क्या देखने जैसा क्या है वहाँ पे? खाली बीच है? खाली बीच है. हाँ, मतलब पब्लिक ज्यादा रहता है. बहुत अच्छा बीच है. अच्छा, रोज रहता है? ब्लू वाटर रहेगा. ब्लू वाटर रहेगा, क्लियर वाटर रहेगा. आने के लिए बहुत अच्छा है, स्विमिंग के लिए. अच्छा, स्विमिंग के लिए वगैरह. अच्छा, ठीक है. तो चलिए मिलते हैं अपने नए डेस्टिनेशन पे, कलिंगगढ़ बीच.
लोकल शॉप से मैंने ये ग्लासेस लिया हुआ है, सन ग्लासेस, बिकॉज बहुत ज़्यादा धूप है यहाँ पे। ये है हमारे ड्राइवर साहब, इनसे आपको मिलाया नहीं था मैंने, अरविंद जी है। ये नेहरी गांव से, हमारे गांव के पास में चिमूर तहसील में नेहरी करके गांव है, तो वहाँ के ये हमारे ड्राइवर साहब है। ड्राइवर साहब कैसा लग रहा है हमारे साथ? एक नंबर, मज़ा आ रहा है। सब फुटे लोगों के साथ अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, अभी बीच बीच घूमते हैं, बढ़िया है। पार्किंग की ओर से जो कलिंगुट जो बीच है, उस बीच की ओर ये रोड जाता है। आगे आप देख पा रहे होंगे पूरा समुंदर ही समुंदर है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। The silence fades into the night. Coyotes sing at the moonlight. These open highways are calling our name, and now it's time for us to escape. Feel the wind touch our face. Let's take a spin to a foreign place. These open highways are calling our name, and now it's time for us to escape. Escape to a world we don't know. Escape into the great unknown. Escape to a world we don't know. Escape into the great unknown. Escape, let's escape. ये यहाँ पे देख सकते हो आप, पैराग्लाइडिंग भी यहाँ पे होता है। ये जो आप बलून देख पा रहे हो, ये यहाँ पे लगभग हम लोग यहाँ पे 3 घंटे से यहाँ पे पानी में खेल रहे हैं। ये देख सकते हो मेरे पीछे, ये समुंदर पूरा, और ये बड़ी बड़ी लहरें आ रही है यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग खेल रहे हैं। पता नहीं सब लोगों का मूड यहाँ से जाने का है भी या नहीं, क्योंकि आगे हमें और भी डेस्टिनेशंस कवर करने हैं। ये सब यहाँ पे जो आप बीच देख रहे हो, ये पूरा वहाँ तक है, वो देखिए आप, बहुत पीछे तक, और यहाँ भी इधर पीछे तक है पूरा, ये देखिए आप। अगर मुझे एक लाइन में इस प्लेस को अगर एक्सप्लेन करना होगा या डिस्क्राइब करना होगा, तो मैं आपको बोलूँगा कि इंडिया में जम्मू कश्मीर के बाद में गोवा ही ऐसा प्लेस है जहाँ पर आपको जन्नत का प्रतिभास हो सकता है। यहाँ पे एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया प्लेस है। अब इस कलंगुट बीच के बाद हम लोग जाने वाले हैं एक चर्च की ओर, डायमंड चर्च, तो उसके बारे में भैया आपको जानकारी देंगे। पंजी मेटिंग रोड डायमंड चर्च, अच्छा, हसीना मान जाएगी पिक्चर का शूटिंग हुआ था ना, अच्छा, उस चर्च पे हम लोग जा रहे हैं। हसीना मान जाएगी मतलब गोविंदा का जो मूवी था वहाँ पे शूटिंग हुआ था, गोविंदा और स्टाइल पिक्चर का, अच्छा, स्टाइल मूवी का भी हुआ था वहाँ पे। और ये जोश मूवी का बताया था आप, जोश वो वास्को डिगामा का है, वास्को डिगामा का है वो, अच्छा, तो ये दो मूवी की वहाँ पे शूटिंग हुई थी। उस चर्च में हम लोग अभी जा रहे हैं। जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये यहाँ का पंजिम का डायमंड चर्च के नाम से जाना जाता है। ये है बॉम्बे बाजार के आसपास में, राजधानी पंजिम में, मतलब गोवा से हम लोग आए हैं अभी। गोवा जो बीच हमने देखा है, वहाँ से लगभग ये 14 से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। ये आप मेरे पीछे देख सकते हो, बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर ऐसा ये चर्च है। पता नहीं ये कैमरा जस्टिस कर पा रहा है या नहीं, लेकिन ये जो चर्च है ये बहुत बड़ा है। ये ऊपर का आप ये देख सकते हो, कुछ मंदिर के घंटे जैसा यहाँ पे है,
बेल बोलते हैं जिसको, जिंगल बेल जो हमने सुना है ना, जिंगल बेल, वो बेल है ये। यहाँ पे भी एक बेल है छोटी सी, यहाँ पे नहीं है, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे नहीं है बेल। फ्रेंड्स ये जो चर्च है ये अभी इस समय बंद है, पता नहीं क्या रीज़न है, हो सकता है टाइमिंग का कुछ होगा। तो हम लोग अभी लगभग 5 बजे हुए हैं तो यहाँ पे आए हुए हैं। अगर आप कभी गोवा आते हो, पंजिम में अगर आप रुकते हो, इसका जो राजधानी है, इसका कैपिटल जो है गोवा का, वो पंजिम है। अगर आप पंजिम में कभी आते हो तो पंजिम में इस चर्च को विजिट करना मत भूलिएगा। ये देखते ही बहुत सुंदर है, आपको देखने में इतना सुंदर लगेगा। अंदर का तो हम शूट नहीं कर पाए बिकॉज़ अंदर में अब लॉक होने की वजह से, बंद होने की वजह से हम अंदर जा नहीं पाए, लेकिन अगर आप यहाँ पे आते हो तो एक बार विजिट ज़रूर करना। सो फ्रेंड्स यही हमारी जो गोवा की जर्नी है वो एंड होती है। इसके बाद हमको यहाँ से जाना है गणपतिपुरे, जो कि है गोवा से, मतलब पंजिम से लगभग 250 किलोमीटर। मतलब हम कल मॉर्निंग तक वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो आज का जो ये व्लॉग है, ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको ये मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, आगे शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आपने एक कमेंट ज़रूर करना है। अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आगे की जर्नी में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।